a lot of talk in our country. A lot of people talk about a lot of things. But the talk just stays at the level of talk. And we can talk about women empowerment from now to the cows coming home. It doesn't make sense unless there is action. Because we can have panel discussions, news forums have these, you know, 5-6 men talking about how women really need to come out there and do something. And all of that. What does it actually mean? To me, I think financial independence is one of the biggest ways to empower women. And that is why I applaud the team behind Pink Power and the Inorbit Mall initiative, because it is truly taking the idea that a woman has in her head that, okay, I can do something beyond looking after my house and my children. पिंक पावर इनऑर्बिट मॉल्स का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे वो वुमेन को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपना रिटेल स्पेस, अपना बिजनेस, जो भी उनका ख्याल है, जो भी उनका आइडिया है, अपनी हॉबीज़ हैं, उनको ट्रांसलेट करें इनटू बिज़नेस. वो ना सिर्फ उनको स्पेस दे रहे हैं बट उनको मेंटोरशिप भी दे रहे हैं कि कैसे वो अपने बिज़नेस को एक्चुलाइज कर सकते हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि इंडिपेंडेंस, अगर वुमेन की एम्पावरमेंट की बात है तो एक आइडिया ही रह जाता है. जब तक कि वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता है. सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. आज की दुनिया में वुमेन को कितना इंडिपेंडेंट मानते हैं? आई थिंक रियलिटी ये है कि शहरों में एक सच्चाई है, और शहर से जैसे जैसे हम विलेजेस की तरफ जाना शुरू करते हैं, सच्चाई कुछ और ही होती है. सो आई थिंक इट्स चेंजिंग बट नॉट फास्ट इनफ. It was amazing, वो जो लेडी बिरयानी बनाती हैं, she was I think in her 60s, और कुछ यंग गर्ल्स थी who were barely out of their teens, I think just early 20s. It's amazing कि you know, मेरे दिमाग में उस वक्त एक ही बात चल रही थी कि अपना सपना सच करने के लिए कोई एज नहीं होती. You can fulfill your dream at any age. Most certainly, one of the ideas that I have, not right now, first I want to produce some films, and after that I want to start a restaurant. I've been wanting to do a comedy for a long time, क्योंकि आप एक फिल्म करते हैं जहाँ पे एक तरह का रोल लोगों को बहुत पसंद आता है, देन एवरीबडी थिंक्स कि आप वही कर सकते हैं. पर वो एक सिंगर को, अगर आप इसकी तुलना ऐसे करें तो एक सिंगर को बोलें कि आप एक ही सुर में गाना गाओ तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा. सो आई थिंक आई वॉन्ट टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स. आई एम एसेंशली नॉट अ वेरी सीरियस पर्सन. ऐसा लगता है मेरे चेहरे से कि शायद मैं बहुत सीरियस हूँ, पर मैं बहुत सीरियस नहीं हूँ. सो आई वुड लव टू डू अ कॉमेडी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट देयर इज अ फिल्म ऑफ माइन कमिंग जिसका नाम है थ्री देव, जो कि आ रही है, आई थिंक जून में आएगी. सो वो आप देखिए ज़रूर. दैट इज़ फुल ऑन कॉमेडी बट विद अ लिटिल बिट ऑफ मीनिंग इन इट.